तो जब भी हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, सो वी हैव टू, एक मिनट, एंसेस्टर्स जो होते हैं, आप बायोलॉजिकली बोल सकते हो कि आप यू आर ऑफस्प्रिंग, राइट, है ना? तो आप हिस्ट्री, देर इज अ कनेक्शन ऑफ योर विद द एंसेस्टर. सो हाउ यू आर कनेक्टेड टू द एंसेस्टर? थ्रू द ब्लड, राइट? बिकॉज जेनेटिकली, थ्रू ब्लड, बायोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, यू आर कनेक्टेड टू समवन, राइट? इसके अलावा भी वी आर मेनी टाइम्स कनेक्टेड टू सम पीपल पर्सनली और कल्चरली. ओके, मतलब जब हम ये एंसेस्टर का एम्बिट लेंगे, वी विल नॉट जस्ट लुक एट द ब्लड रिलेशंस. ओके, क्योंकि ब्लड तो वो तो फर्स्ट थिंग है ही. उसके अलावा भी आप कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको एक कनेक्शन हो जाता है. ओके, नाउ दीज कैन बी पीपल जो, जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स की बात हो रही है, इवन ह्यूमन फाउंडर्स. सो यू आर समवेयर, दे आर योर एंसेस्टर्स. आप बोल सकते हो जैसे कि शंकराचार्य, आप इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर दिस थिंग, हिंदू बिलीफ, और वी बिलीव इन दिस, तो वी कैन से कि वी आर, दे आर आवर एंसेस्टर्स. ओके, सो इट इज नॉट, इवन द गॉड्स, इवन बुद्धा, दे आर आवर एंसेस्टर्स, है ना? अगर आप, आई मीन, सो यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो ब्लड लाइन में ही आते हैं वही आपके एंसेस्टर्स हैं. यू कैन ऑलवेज हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. और ऐसा देखा जाए तो वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिलोंगिंग टू दिस प्लेस अर्थ, वी एंड पीपल हु केम, सो बेसिक चीज है पीपल हु केम बिफोर यू. ओके, दे आर योर एंसेस्टर्स. सो उसमें एक लिविंग एंसेस्टर्स हो गए, बिकॉज जो अलाइव है दे आर बेसिकली लिविंग, एंड पीपल हु हैव डाइड दे आर डेड एंसेस्टर्स. ओके, होप दैट इज क्लियर, राइट? सो जैसे लास्ट टाइम बात हो रही थी ना कि हमने बोला कि नहीं, इस साइड के एंसेस्टर, उस साइड के एंसेस्टर, ये, सो बेसिकली ऑल आर कनेक्टेड एज ह्यूमन बींग्स. वी हैव रेसेस, सोल फैमिलीज, सो देर इज लॉट ऑफ अदर कनेक्शन. इवन आप ऐसे देख लो तो, जैसे लास्ट टाइम आई थिंक ड्यूरिंग वेबिनार टाइम वो बात कर रही थी, पूछ रही थी कि भाई मेरे हस्बैंड के साइड के जो एंसेस्टर्स हैं, हाउ विल आई बी कनेक्टेड टू देम. अभी बहुत सी फैमिलीज में ऐसे भी होता है कि वेयर आपकी बुआ आपके मामा के से शादी हुई, आपकी मासी के इधर से शादी हुई, कभी कभी आप इस तरह से भी कनेक्टेड होते हो, राइट? सो आई मीन, और यू मे हैव कॉमन रिलेटिव्स, है ना? सो यू कैन नॉट, आप एक तरह से ये नहीं कर सकते कि यू नो, ये मेरे एंसेस्टर नहीं है और ये नहीं है. इट इज अप टू यू व्हाट आप किस दायरे में करना चाहो. नथिंग इज रॉन्ग और राइट अबाउट इट. बट लॉजिकली जगह अगर हम देखें तो हम यही बोलते हैं कि भाई मेरे पीछे मेरे पैर मदर फादर हैं, उनके पीछे उनके मदर फादर, सो मदर फादर के मदर फादर, सो ऐसे करके कुछ 254, आई मीन दिस इज हाउ वी काउंट, लाइक इफ यू आर काउंटिंग टिल यू नो योर 10 7 जनरेशन, राइट? ओके, सो इसमें जब हम ये एंसेस्टर वर्क कर रहे हैं, हमारा ये बिलीफ है कि आफ्टर डेथ ऑल्सो देर इज अ कॉन्शियसनेस. ओके, सो हम ये बिलीव कर रहे हैं कि डेथ हो गई इसका मतलब चीज खत्म नहीं हो गई. ओके, द डेड पीपल दे स्टिल लिव, यू कैन कम्युनिकेट टू देम, देर इज अ लाइफ आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ ऑल्सो, सो देर इज आफ्टर लाइफ, देर इज अ लाइफ, राइट? इसी तरह से जो सोल्स है, सोल्स की भी जब हम बात करते हैं, देर इज अ लाइफ बिफोर बर्थ, लाइफ आफ्टर बर्थ. ओके, सो ये हमारा बिलीफ है. द फर्स्ट बिलीफ विच यू हैव टू बिलीव इज दैट कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर फिजिकल डेथ. ओके.